जोधपुर में मिलावट के बाद अब खिलाफ हो गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम और एक्शन मोड में नजर आई है। जोधपुर के सिवांची गेट इलाके में करीब 400 किलो खराब मावा जब्त किया गया है। सस्ते दामों में ये बेचा जा रहा था मावा। मावा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, त्योहारों का सीजन आ गया है और ऐसे में मिलावटखोर किस तरह से आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसी की एक तस्वीर आपके सामने है। और अब इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जोधपुर के सिवांची गेट इलाके की ये घटना है जहां पर करीब 400 किलो खराब मावा जब्त किया गया है। सस्ते दामों में इसको बेचा जा रहा था। मावा के सैंपल को अब जांच के लिए भेज दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री महोदय का जन स्वास्थ्य शुद्ध आहार मिलावट पर मार्ग अभियान के तहत जो आज हमने आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर है सीमित साहब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में सिवांची गेट पे वासुदेव मावा भंडार पे कार्रवाई करते हुए मिल्क केक और मावे के दो नमूने संग्रहित किए हैं जो मार्केट रेट से काफ़ी कम भाव में बिक रहे थे। उनमें मिलावट की पूरी संभावना थी और मिलावट की आशंका को देखते हुए करीबन जो है वो 400 किलो मिल्क केक और मावा हम लोग जन स्वास्थ्य हित में नष्ट करा रहे हैं। नमूने संग्रहित किए गए हैं, खाद्य मानक प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और जैसे जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, दीपावली की त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां खाद्य विभाग की टीम ने करीब 31 लाख रुपए का 7000 लीटर नकली घी जब्त किया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, छापेमारी खाद्य विभाग राजस्व और कोतवाली पुलिस के नेतृत्व में की गई। नकली घी के बड़े बड़े ब्रांड के रैपर भी यहाँ पर बरामद हुए हैं जिनका उपयोग करके नकली घी को असली ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। टीम ने नकली घी बनाने की मशीनें सामग्री यहां पर जब्त की है और कारखाने को सील कर दिया है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब यहां पर छापेमारी चल रही थी और इस घी को आप देखिए, कई ऐसे ब्रांड है जिसका रैपर यहां से मिला है और नकली घी को असली बनाकर बेचने की कोशिश यहां चल रही थी। ये आशीष कसेरा कृष्णा मार्केटिंग के द्वारा जो है आवर रोड पर आव माता मंदिर के पास में जो है वो बिना लाइसेंस के वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। जो यहां से घी जब्त हुआ है वो 31,50,000 के आसपास का मिला है टोटल। और अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे मिलावट खोर जो है वो मिलावट कर रहे हैं और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के मालवा की, जहां पर नकली घी फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। तो वही राजस्थान के धौलपुर में नकली मिठाई यहां पर जब्त की गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से कोई भी इलाका हो, खाद्य विभाग की टीम यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीकानेर की भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर भी छापेमारी की है। वहीं बैतूल में भी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग देश के इलाके की। और जैसे ही त्योहार का सीजन आता है, आप देखिए मिलावटखोर कैसे एक्टिव हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ौत में भी मिलावट की गई है और ये तस्वीरें बयां करती है कि कैसे आप त्योहारी सीजन में अगर खाने का सामान खरीदते हैं तो सतर्क रहें। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ौत में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले यहां पर बरामद किए गए हैं। खाद्य विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है, कई दुकानों पर यहां पर छापेमारी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खाद्य विभाग की टीम सक्रिय है देश भर के अलग अलग इलाके में और मिठाई से लेकर घी से लेकर मावा से लेकर इस वक्त सब कुछ नकली बिक रहा है असली रैपर के नाम पर। इन तस्वीरों को आप देखिए, मिठाई अगर आप खाते हैं, मिठाई के शौकीन हैं त्योहार के मौके पर, तो जरा संभल जाए। और इस तस्वीर को आप देखिए, वहीं राजस्थान के धौलपुर में भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है और इस दौरान कई दुकानों से नकली मिठाई बरामद की गई है। टीम ने करीब 100 किलो नकली मिठाई को गड्ढा खोदकर यहां नष्ट किया है। तस्वीरों को आप देखिए, इस वक्त जो चीज नष्ट की जा रही है वो और कुछ नहीं है बल्कि मिलावटखोरों ने 100 किलो नकली मिठाई बनाई थी, उसको यहां पर नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई आम इंसान इस मिठाई को खाएगा तो वो सीधे अस्पताल जाएगा।
इसी बीच आपको बता दें बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपावली और धनतेरस को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग एक्शन मोड में है। इन तस्वीरों को आप देखिए, राजस्थान के बीकानेर में छापेमारी के दौरान करीब 100 किलो नकली और खराब मावा जब्त किया गया है। इस मावे की सप्लाई मिठाई की दुकानों में होने वाली थी। यहाँ 57 पीपे यानी 1140 किलो मावा जो है वो खराब बदबूदार फंगस लगा हुआ मावा बरामद हुआ है। आशा कोल्ड स्टोरेज से मिले इनपुट के आधार पे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। इस मावे का जो आबादी से परे ले जाके डिस्पोजल किया जाएगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की गई है। जीन।